नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे दो DIY शेयर करने जा रही हूँ जो कि होम डेकोर से रिलेटेड हैं। ये बहुत ही सुंदर शो पीस बनाने जा रही हूँ मैं, और वो भी बिल्कुल वेस्टेज से। यानी आज मैं मेन जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो है ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये डंडियाँ। इनको ही मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपने होम डेकोर आइटम्स में। तो उसके लिए मैंने ये स्टिक्स ली हैं और एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है मैंने, और उस पर मैंने एक हार्ट शेप ड्रॉ कर लिया है। हार्ट शेप आप चाहे तो हार्ट शेप ड्रॉ करिए, नहीं तो कोई भी शेप आप ड्रॉ करिए। मैंने हार्ट शेप ड्रॉ की है, तो मैंने दो हार्ट शेप ड्रॉ की है, एक बड़ा हार्ट शेप जो बाहरी है और एक छोटा हार्ट शेप। एक्चुअली मुझे ये बीच का पार्ट चाहिए, तो उसको मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से मुझे शेप मिलती है, और इसके बाद मैं ये स्टिक को इसके उसके ऊपर मैं चारों तरफ लगाऊंगी। तो इसकी लेंथ आप नाप के बहुत सारे टुकड़े कर लीजिए, या तो पहले ही, नहीं तो आप बाद में भी कर लीजिए। तो मैंने प्लास की हेल्प से इसको कट किया है और ईज़िली कट हो रहा था। बस थोड़ी जो मोटी स्टिक्स थी ना वो नहीं कट हो रही थी, उनको थोड़ा करने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन रॉ लुक आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी स्टिक्स बराबर बराबर नहीं भी रहती हैं तो भी अच्छा लुक आता है। मेरी सारी स्टिक बराबर नहीं थी, कुछ ऊपर नीचे थी, फिर भी अच्छा लगने लगा था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं ये लगने के बाद कैसा लगा। तो सारी स्टिक्स को मैंने कुछ इस तरीके से पूरा लगा दिया है। अभी ये सूखा नहीं है, सूखने के बाद मैं शेयर करती हूँ कि क्या करना है। ग्लू के पूरी तरीके से सूख जाने के बाद मैंने ये एक टेप का होल लिया है। टेप जब ख़त्म हो जाता है ना तो ये होल बच जाता है, तो इसको मैंने रखा हुआ था। तो इसी के सहारे मुझे इस हार्ट को मतलब टिकाना है किसी तरीके से, चाहे स्टिक से चाहे जैसे भी, मुझे इसको टिकाना है। तो मैंने क्या सोचा है, चारों तरफ मैं स्टिक लगाऊंगी इसके, और उसी में इस हार्ट को मैं फंसा दूंगी। तो इन स्टिक्स को भी मैं ग्लू से हेल्प से इसको भी इससे चिपका दूंगी मैं। इसको चिपकाने के बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। तब तक आते हैं दूसरे DIY की तरफ। तो इसके लिए भी मैंने यही टहनियाँ ली हैं और एक कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस लिया है, और उसके बाद मुझे इसमें सर्कल करना है। तो सर्कल के लिए मैंने, मेरे पास एक टेप था उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे दो साइज़ के सर्कल चाहिए, जैसे मैंने हार्ट शेप को कट किया था ना ऊपर और नीचे छोटा और बड़ा, तो मुझे दो शेप चाहिए थी सर्किल की, तो इसलिए मैंने टेप का यूज़ किया। आप चाहे तो एक बड़ा सर्किल का कोई भी कटोरा या प्लेट वगैरह लेके और उससे थोड़ा सा छोटा, यानी बीच की जो लाइन है वो हमको मिल जाए, तो इसीलिए मैं इस टेप का यूज़ कर रही हूँ। और एक बार अंदर वाली लाइन से ड्रॉ करूँगी और एक बार बाहर वाली लाइन से ड्रॉ करके मैं इसको कट कर दूँगी। तो देखिए कुछ इस तरीके का सर्कल मुझे चाहिए था, तो ये सर्कल मैंने कट कर लिया है। अब मैं सारी स्टिक्स को इस पर ऐसे ही रख दूँगी, जैसे हम लोग सन बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से मैंने स्टिक को इस पर रख दिया है। और स्टिक्स थोड़ी कम थी और छोटी बड़ी थी, लेकिन छोटी बड़ी भी लुक अच्छा लग रहा था, तो मैंने जितनी भी स्टिक्स थी लगा दिया है। बस इस चीज़ का ध्यान रखा है कि बड़ी स्टिक को हर तरफ फैला दिया पहले, फिर उसके बाद जो जगह बची थी उसमें मैंने छोटी स्टिक्स को फिल कर दिया है, क्योंकि स्टिक्स कम थी और फिल करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने कुछ इस तरीके से इस पर गोंद फेविकोल लगा के इसको चिपका दिया है। तो पूरा चिपकने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये पास से दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्टिक्स को मैंने, जो बड़ी स्टिक्स थी उनको पहले चिपकाया और उसके बाद छोटी छोटी स्टिक्स को उस पर भर दिया है, ये जो अंदर का कार्डबोर्ड है वो ना दिखे। तो ये जो बीच में जो जगह है ना वो थोड़ी सी रफ़ सी लग रही है, तो उसके लिए भी मैं सोच रही हूँ जैसा सर्कल मैंने कट किया था टेप से, सेम टू सेम वैसा ही सर्कल मैं कट करूँगी और उसके बाद उसको इस पर मैं अटैच कर दूँगी।
तो मैंने सर्कल कट कर लिया है। और ये सर्कल ऐसे ही रख के देखा था मैंने, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे सुतली लपेटी जाए। ये जूट वाली जो रस्सी आती है, इसी को मैं इस पे लपेटूंगी चारों तरफ से। तो जूट की रस्सी को लपेटने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, नीट लुक देगा ये। और इसके बाद इसमें मैं फेविकोल लगा के इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख दूंगी। तो रखने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से लगेगा, और ये वाला शोपीस लगभग तैयार हो चुका है। तो अब आते हैं हार्ट शेप वाले पे, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है पूरा रेडी होने के बाद। और नीचे देखिए स्टिक्स वगैरह एकदम से अच्छे से चिपक गई हैं। और हार्ट को टिकाने के लिए ना, जहाँ मैंने इसको टिकाया है वहाँ पर मैंने छोटी स्टिक्स लगाई हैं, और बाकी आसपास वाली काफ़ी बड़ी हैं, तो उसमें वो हार्ट फंस गया है। और इसका जो नीट लुक नहीं है, थोड़ा सा इसमें कार्डबोर्ड दिख रहा है, तो उसके लिए मैं ब्लेड से इसकी फिनिशिंग करूँगी। ब्लेड लेके इसमें मैं ये फिनिशिंग कर दूँगी ना, तो ये कार्डबोर्ड दिखेगा नहीं, जो भी एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है उसको मैं फिनिशिंग कर दूँगी। तो फिनिशिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो चलिए अब दोनों DIY का आपको अपना मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे दोनों DIY बिना किसी पैसे की लागत के तैयार हो गए, और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चाहे तो आप इनको कलर भी कर सकते हैं डिफरेंट कलर से, बट मेरी वॉल का कलर लाइट है तो मैंने इनको कलर नहीं किया है, जैसे थे वैसे का वैसा ही रहने दिया है, उनको टच नहीं किया है। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये दोनों आपको शोपीस भी कैसे लगे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़े भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।